हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जेईई मेन 2024 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आगे की एग्ज़ाम के लिए यानी कि 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन इन द क्वेश्चन और वेक्टर सी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन हमें दी हुई है और वी नीड टू फाइंड सी डॉट -2, 1, 1। इन शॉर्ट वी नीड टू फाइंड वैक्टर सी, राइट। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। वैक्टर सी प्लस आई क्रॉस ए प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस आई। अब आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेक्टर सी को हम अज्यूम करते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये वीडियो में हम यही क्वेश्चन एक अलग मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वेक्टर है सी प्लस आई, हम जानते हैं ये एक वेक्टर ही है सी प्लस आई, तो ये जो पहला वेक्टर सी प्लस आई है उसको हम बोल देते हैं वेक्टर पी। और ये जो दूसरा वेक्टर है a प्लस बी प्लस आई, ये भी एक वेक्टर ही है पूरा, तो इसको हम बोल देते हैं वेक्टर v, राइट। इज इक्वल टू वेक्टर a विच इज गिवन इन द क्वेश्चन क्रॉस c प्लस आई, c प्लस आई को हमने लिया है वेक्टर p। अब ये दोनों वेक्टर को हम साइड में लिख देते हैं, तो वेक्टर p हमने लिया है c प्लस आई और वेक्टर v हमने लिया है ए प्लस बी प्लस आई। तो फ्रेंड्स, ए और बी ये दोनों वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं और वेक्टर आई अपने आप में एक वेक्टर है 1, 0, 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम ये तीनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा वेक्टर वी, तो हमारा वेक्टर वी हो जाएगा 2 + 2 + 1 5, 5 - 2 3 + 0 3 -1 + 2 1 + 0 1। तो ये हमारा v वेक्टर हो गया, क्लियर। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमें मिला p क्रॉस v इज इक्वल टू a क्रॉस p। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे वेक्टर p क्रॉस वेक्टर v। यहाँ पर हम जानते हैं a क्रॉस p, इसको हम लिख लेंगे माइनस ऑफ पी क्रॉस ए, राइट। सो हमें मिलेगा वेक्टर पी प्लस वी प्लस पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू नल वेक्टर, सो दैट वी कैन राइट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर वी प्लस क्यू। सॉरी, ये हमारा ए वेक्टर है, तो ये v प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, नल वेक्टर। अब वेक्टर p और वेक्टर v प्लस ए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिला, नल वेक्टर। हम जानते हैं इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नल वेक्टर देन दे आर पैरेलल, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू लेमडा वी प्लस ए। वेक्टर पी क्या है हमारा, वेक्टर सी प्लस आई और वी तो हमें यहां से मिल गया 5, 3, 1 और वेक्टर ए हमें गिवन है, तो वी प्लस ए क्या होगा 5 + 2 = 7 इंटू लेमडा, तो 7 λ 3 + 5 = 8 और 1 - 1 = 0। ये हमारा हो गया सी प्लस आई। तो यहां से हम सी वेक्टर आराम से फाइंड कर सकते हैं, 7 λ - 1 8 λ - 0 0 - 0 0। ये हमारा हो गया वेक्टर सी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें सी वेक्टर मिल जाएगा और लेमडा की वैल्यू के लिए एक और कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है ए डॉट सी इज इक्वल टू -29। सो नाउ
vector a dot vector c is equal to minus 29. So vector a, which is given in the question 2, 5, -1, और वेक्टर सी हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिला 7λ-1, 8λ, 0 इज इक्वल टू -29. बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा. सो 7λ × 2, 14λ-2, + 5 × 8, 40λ + 0 इज इक्वल टू -29. सो यहाँ से 54λ इज इक्वल टू -27. सो लेमडा की वैल्यू हमें मिलेगी -27/54, विच इज -1/2. राइट, नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1 वी कैन फाइंड अवर वेक्टर सी. सो वेक्टर सी विल बी इक्वल टू 7λ, विच इज -1/2. So -7/2, -1, 8λ. So -8/2, 0. तो यहाँ से हमें वेक्टर सी मिलेगा -9/2, -4, 0. राइट, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? वेक्टर सी डॉट -2, 1, 1. तो वेक्टर सी हमारा मिल गया है हमें -9/2, -4, 0. और इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे -2, 1, 1 के साथ. तो हमें मिलेगा -9/2 × -2, विच इज +9, -4, 0. तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला हमें? 5. राइट, विच इज अवर ऑप्शन डी. थैंक यू.